ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिनके एक मूव ने मध्य प्रदेश की सियासत को बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जो डैशिंग हैंडसम होने के साथ ही एक प्रखर वक्ता और कुशल राजनीतिज्ञ खुद को साबित कर चुके हैं। उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में तो अब तक आप काफी कुछ जान चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के लव लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उनके ही तरह काफी इंटरेस्टिंग है। जब भी नेताओं के प्यार की बात होती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी राजे की लव स्टोरी की चर्चा भी जरूर होती है। पहली मुलाकात में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियदर्शनी राजे को अपना दिल दे बैठे थे। 28 साल पहले यानी कि 1991 में दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। हालांकि दोनों की मुलाकात घर वालों की मर्जी से ही हुई थी, उस वक्त वो मुंबई में रहती थी। पहली ही मुलाकात में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला कर लिया कि हम प्रियदर्शनी राजे से ही शादी करेंगे। मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना फैसला परिवार के लोगों को सुना दिया था और मुलाकात के ठीक 3 साल बाद दोनों की दिसंबर 1994 को शादी हुई। अब प्रियदर्शनी के बारे में आप और भी बहुत कुछ जानना जरूर चाह रहे होंगे। प्रियदर्शनी राजे बड़ौदा राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। प्रियदर्शनी खूबसूरती में बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी मात दे देती हैं। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से और सोफिया कॉलेज से पढ़ाई की है। साल 2012 में फेमिना ने प्रियदर्शनी को दुनिया की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में शामिल किया था। पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रियदर्शनी राजे कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। प्रियदर्शनी चुनाव के वक्त पति के इलाके में खूब सक्रिय रहती हैं। एक तरीके से कहा जाए तो चुनाव की कमान वही संभालती हैं और इस चुनाव में भी गुना शिवपुरी के इलाके में खूब प्रचार उन्होंने किया था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे।